अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। क्या है दोस्तों, सब लोग खैर खैर से? भाई जुमा मुबारक हो आप सब लोग को। तो कल खैर से बड़ा गंदा सफ़र रहा, बड़ा डिफ़िकल्ट था और रात के टाइम था, और हमें किसी ने एडवाइस भी नहीं दिया था कि रात के टाइम जो है देवसाई नेशनल पार्क से किधर तक स्कर्दू तक बंदा ना निकले, क्योंकि रास्ते उनके बेड़ा गर्क थे, ख़त्म थे रास्ते। निकले हम नेशनल जो देवसाई नेशनल पार्क 7:03 और हम पहुँचे स्कर्दू होटल बुकिंग किए, क्योंकि रात के टाइम था। हम लोग को पॉइंटे मोइंटे तो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि थके हुए थे सारे दोस्त। और पहुँचे हम लोग, मेरे ख़्याल से 2:35 था, 2:36 AM था। तो वही खैर से हम लोग ने आके होटल बुक कर ली, सो गए। अभी सुबह उठे सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गए। अभी बनाते प्रोग्राम आगे के स्कर्दू के, देखते हैं कहाँ पे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाके पॉइंट्स पे अपने कैंप लगा के गुजारेंगे। और क्या कहने वाला था मैं, वो एक तो खून भी है सूखे हुए। तो फिर स्कर्दू भी माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज जब स्कर्दू आए तो माशाल्लाह शहर ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और हाँ, एक और बात आप लोगों को कहनी थी कि जिसके पास छोटा गाड़ी है, मैं उसको एडवाइस नहीं करता हूँ कि देवसाई नेशनल पार्क के थ्रू आप स्कर्दू तक आ जाएँ, क्योंकि बहुत ही गंदा गाड़ी सफ़र रास्ता ट्रैक था। 4x4 के अलावा दूसरों गाड़ी का चांस नहीं है, हमारे अंदाजे से दूसरों गाड़ी का चांस नहीं है। कैमरा भाई क्या कहते हो आप, दूसरों गाड़ी की चांस नहीं है? और हमारे जो दोस्त है कैमरा भाई, उनका भी सही बैंड बाजा लगा, उनका क्या सबका बैंड बाजा बजाता सही तरीके से। तो घर से पहुंच गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखते हैं, अभी खलील भाई जो है ना वो फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश होकर निकले, फिर देखते हैं प्रोग्राम बनाते जाके कहीं कुछ खा लें, क्योंकि कल हम लोग ने खाना खाया था मेरे ख्याल से तकरीबन, वो भी ऐसे तुक्के में हम लोग खड़े हो गए, वो भी एक राशिद की वजह से। अभी जाएंगे देखेंगे कहीं पे नाश्ता कर लें, कुछ ज़बरदस्त हैवी नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद जाके कुछ बारबेक्यू के स्टाफ लेंगे, और फिर इंशाल्लाह अपने लिए एक ज़बरदस्त सा पॉइंट ढूंढेंगे, ताकि एटलीस्ट हम वो पॉइंट में 2 से 3 दिन कैंपिंग हम गुजारें, ताकि मज़ा आए ना, कैंपिंग का मज़ा भी आए। वैसे भी आज तारीख क्या है, आज 22 है, 29 तारीख को तो ईद है, ऐलान भी हो गया मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, 29 तारीख को तो ईद भी है। और वैसे आप लोगों को ये भी बताता जाऊं कि जो नॉर्थ एरिया है, यहाँ पे सर्दी है, लेकिन यहाँ का धूप बहुत तेज़ है, बहुत ही तेज़, बहुत हद से ज़्यादा तेज़। ये भी हम लोग बैठे हुए हैं होटल की गार्डन में, वो जो है पहला जो रूम है राइट साइड पे, आप लोग के राइट साइड पे, हाँ आप लोग के जो राइट साइड पे हम लोग का रूम है, लेफ्ट पे जो है ना वो कामराम भाई और अजीज़ भाई और राशिद भाई थे, और लेफ्ट पे जो था राइट पे था मैं और खालिद भाई और रशीद खलील भाई। सो आप लोग से मिलते कल। वैसे मैंने व्लॉग भी दाफिस आप लोगों को नहीं की थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा मुझे बिल्कुल अपना भी समझ नहीं था, मैं आके बस कम्बल रख बस सीधा मैं सो गया। तो भाई आखिर मजलिसों के साथ, हिसाब किताबों के साथ हम लोग इस चीज़ पे पहुँचे हैं। पहले तो प्रोग्राम यही था कि यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते हैं, इस तरह बता रहे थे। यहाँ का जो है वाइट डेजर्ट है, जो ओल्ड डेजर्ट है क्या नाम है वहाँ, और शंगरीला जो होटल है वहाँ के उसके करीब अगर आप कैंपिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। और तीसरा जगह कौन सा था पता नहीं, खैर तो कामराम भाई ने भी ये मैंने एडवाइस दिया था, तने क्या एडवाइस दिया था, खैर तो कामराम भाई ने भी बताया, कहते भाई चल सामान उठाते हैं। मेरे खलील भाई बता रहे थे कि सामान रखते हैं, फिर उसके बाद जाके घूम फिर के फिर आते हैं। तो कामराम भाई ने कहा, कहते भाई वही सामान जो हम लोग उतारेंगे फिर से वापस लोड करना पड़ेगा, उसे रहने दो, हम लोग चलते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट नज़र आया तो हम रुकेंगे वहाँ पर, नहीं आया तो वापस आ जाएँगे होटल। ज़बरदस्त मशवरा दिया, और बाकी ये भी अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। हाँ, अभी सबसे पहले फार्मेसी जाना है, वासलीन लेना है।
और यहाँ पे भाई लोग लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है जो हम लोग की तबीयत बराबर है, ना किसी को बुखार है, ना किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। हाँ और ये ठंडा पानी डाल, ठंडा पानी डाल। यहाँ पे खाली भाई जो है ना घुसे हुए अंदर लगा रहे हैं, सिस्टम बराबर कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं यार, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जो भी है वैसे ही सब कुछ इस्तेमाल करेंगे जो भी है, जो फार्मेसी से ज़रूरत की चीज़ें। हम लोग घर से निकल गए हैं होटल से, और आप देख आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि इस कद्दू के बाजार में बड़ा रशकश लगा हुआ है, ज़बरदस्त रशकश। एक्चुअली हम लोग ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट, ताकि वहाँ पे जाके हम लोग पहले खाना तो खा लें। सख्त भूख लगी हुई कसम से, सब बंद है, सिर्फ ये रेडी वाले अल्लाह का शुक्र है कि इस ये क्या कहते हैं रोड है, और बिल्कुल माशाल्लाह गाड़ी ज़बरदस्त चल रहा है, पता ही चल रहा है। काश इस तरह का रोड होता ना, अगर इस तरह का रोड होता कसम से हम लोग तो कब के पहुँचे हुए थे इस कद्दू और पॉइंट नज़ारे चेक पोस्ट है। ये क्या ट्रैफिक रूल, अभी यहाँ पे छोटा सा चेक पोस्ट लगा हुआ था, स्लो डाउन एमपी चेक पोस्ट, आर्मी वाले थे, आर्मी वाले और ये आर्मी होते थे अभी वो देखेंगे। जिधर दिल किया उधर हम लोग का प्लानिंग ये है कि गाड़ी में बैठ गए, अभी प्लानिंग हम लोग का स्टार्ट, बस जिधर दिल किया अच्छा पॉइंट मिला भाई बैठो हाँ ना, तो बंदों को पता चले कि भाई इस तरह की जगह भी है, यहाँ पर बंदा बैठ सकता है, इंजॉय कर सकता है, पॉइंट है भाई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो मुझे हो रही है ना वो रोड पर हो रही है। कल का जो रास्ता था आज का जो रोड है बड़ा फर्क है। हाँ ये रोड तुम्हारा गिलगित में कैसी है? कल गूगल भी हमें कह रहा था 16 मिनट, वो 16 मिनट एक घंटे से ज़्यादा था। वही तबाही रोड था, तबाह रोड था। और हाँ मैंने एक दोस्त से पूछा, मेरा दोस्त है लाहौर का, कहते यूसुफ रात को कोई यहाँ से नहीं गुजरता, कहते सलाम है तुम लोग कुछ तुम लोग रात को यहाँ से सफर किया तो यार काम मेरा है। कसम से उससे मेरा दोस्त है लाहौर से, उससे मुझे पता है कहते मैं यहाँ पे आया हूँ लेकिन दिन कटा है,
रहता है दिन के टाइम यहाँ पे बंदा सफ़र करता है देवसाई से, देवसाई टॉप ये रास्ते से पूरा। तो खैर अलहमदिल्ला हम लोग का सफ़र तो खैर खैर से हम लोग पहुँच गए अल्लाह के फजल करम से। अभी शंकरल्ला जो हट है उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि उससे आगे जो है झील है और पॉइंट है, देखते हैं। अल्लाह करे दरख्त हो वहाँ पर सही ज़बरदस्त दरख्त होता है, दरख्तों के दरमियान बंदा अपना कैंप लगाए सुबह तसली से मज़े से उठे, क्योंकि साए में बंदा जब होता है बंदे को बिल्कुल गर्मी नहीं करता। लेकिन अगर बंदा जो दिन पे खड़ा हो जाए ना बंदा बेड़ा गर्क जल जाता है, बंदा जो है ना जल जाता है बिल्कुल। चलो फिर देखते हैं आगे का सफ़र किस तरह है। ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त गाड़ी मज़े से अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं, ये हाईवे है स्कर्दू का, ज़रा जल्दी क्रॉस करना। वो देखो भाई हम लोग का जो बंदा है वो सबसे पहले चला गया, हाँ वो सबसे पहले तस्वीर का शेजाई, ये दूसरे को देखो। सारे उठ गए, चल गया। बंदे को इतना छोटा लाता है, इतना छोटा ले आता है भी पहाड़ के सामने में, आपको इतना से छोटा ले आप क्या देखेंगे। हाँ भाई डिसेंट शरीफ क्या हो गया, धूप भी बड़ा तेज धूप है, रोड को देख के ख्याल से मैं क्रॉस करूँ, क्रॉस करने लगी से रोड पाऊँगा। यहाँ पे तस्वीरें चल रही है, यहाँ पे है हम लोग का खालिद भाई, वो अच्छा वो स्लो टिकटॉक ये जो नो मजूरी भी ये देखते हैं आप लोग, देख लें सफा पानी है। और ये पूरा ही रेत है उसका दो शहर वहाँ पे है। तो खैर अभी यहाँ से आगे का एक और पॉइंट भी है, यहाँ पे भाइयों ने दोस्तों ने तस्वीरें ले ली, तस्वीरें ले ली। अभी यहाँ पे भाईजान लगे हुए हैं जब तक उसने चेक नहीं किया वो क्या कहते हैं गरमाइश और टैंक की जो क्या नाम है सुई है वो अभी तक ऊपर नहीं हुआ, इसी तरीके से चेक कर रहा है, ख़राब थी देखो हाँ निकाल भी दिया। देखो इसे कहते हैं भाई मैकेनिक, मैकेनिक बंदा इस तरह होता है जो सफ़र में उसको पता चले कि गाड़ी में क्या हो रहा है। वैसे आप लोगों को ये भी बता दूं, आप यानी हम लोग माशाल्लाह से तकरीबन मैं कैलकुलेट कर लूँगा फिर जब खैर से हम लोग वापस चले जाएँगे, मतलब 1984 FJ 45 है ना, FJ 45 1984 मॉडल, मतलब इस तरह की जगहों पे इन्हें हम लेके गए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे सही देखें सामान सारा पड़ा हुआ, और ये हम लोग ने पहले से एहतियात के तौर पे हम लोग ने ये क्या नाम है इसको बांध दिया था, अच्छा मान लिया था। और जो लॉक है ये आप लोग देख सकते हैं ये लॉक है, लॉक टूट गया, पहली दफ़ा टूटा था फिर गिलगित में हम लोगों ने वापस बनवाई,
जो लोड है कल जो शेक शेक हो रहा था गाड़ी में, जिस तरह हिल रहा था ना, उसी की वजह से। और एक और चीज़, यहाँ पे जो कमानी है वो ऊपर बैठ गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर इस पर टच हो रहा है, वो दूसरा बैठा हुआ सही तरीके से। और यहाँ से बाइक बाइक गुजर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, इसमें एनर्जी नहीं है बात करने की यार, अभी भी थका हुआ हूँ, सच बात बताऊँ अभी भी थका हुआ हूँ। अभी आगे हम लोग को ऐसी जगह देखना है अपने लिए कि हम लोग वहाँ पे रुके दो दिन तीन दिन मैक्सिमम, हम लोग कैंपिंग कर लें। एक तो राशन सामान इतने बहुत है, अल्लाह माफ़ कर, इसको उतारने में बंदे का जान ही निकल जाता है। सारे दोस्त जब कहते कैंपिंग करने, कहते कितने दिन के लिए, एक दिन, कहते यार फिर से, कहते हाँ फिर से। तो खैर अभी लगे हुए तस्वीर लेने में हम लोग आप लोग से मिलते हैं जब शंगरीला पहुँचे वहाँ से आगे जो पॉइंट्स हैं, सही पॉइंट है, ज़बरदस्त पॉइंट है, तो बस बिस्मिल्लाह कर लेंगे। तो भाई अभी हम लोग हैं जो होटल है उससे ऊपर हम निकल गए हैं। अभी यार यहाँ से मसला एक चीज़ का है, वहाँ से गाड़ी आ गई रास्ता जा रहा है। चलो भाई अभी चल रहे हैं झील की तरफ। साथ जा रहे हैं। ये जीत का नाम क्या है जरूर के मैं आप लोगों को बता लूं। अच्छा भाई ये रास्ता आगे क्या है वैसे, झील का नाम क्या है? पहले तो शो कर रहा था, अभी शो नहीं कर रहा। खैर यहाँ पे ज्यादा वोटिंग पॉइंट है, इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हल्का वॉक करना पड़ता है बंदे को, यहाँ पे वॉक करना पड़ता है। ड्रोन मैंने उठाया, देखते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ जो झील है उधर हार्ट बना हुआ है, दिल बना हुआ है, अरबी में कहते हैं गल्ब, वही बना हुआ है। सब सारे घरे दोस्तों भी पीछे आ रहे हैं, आप लोग को रास्ता दिखा रहे थे। इवन यहाँ पे शो भी हो रहा है इस तरफ से आ रहे हैं दोनों तरफ ही जा सकते हैं। वेलकम टू लेक ऊपर कचौरा। अच्छा लेक ऊपर कचौरा इसका नाम है। वो नज़र आ रहा है यहाँ से झील, या इसे क्या कहते हैं आप लोग, मुझे ज़रा कमेंट में ज़रा ये बताइए, क्योंकि मेरा बिल्कुल इतना साफ नहीं है। दोनों रास्ता जा सकते हैं, वहाँ से शॉर्टकट था, यहाँ से लंबा हो गया। हम लोग ये लंबे रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से उतर लेते इतना भी। कौन सा रास्ता है? इधर है, इधर से भाई उस तरफ से रास्ता, ये भी नीचे शॉर्टकट जा रहा है यार। नज़ारा होटल है एकदम, इधर से भी अंदर से जाओ। अच्छा अंदर से, अच्छा इधर से, असल में रास्ता इधर से भी निकालो ना यार, असली जगह इधर है, बड़ा
हाँ भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? खुश हो? तुम्हें सेट है? अच्छा, जबरदस्त। बस तो वो भी था, लेकिन बंदे ने हमें यहाँ से इसलिए कहा, नहीं यही है रास्ता, यही है, वो भी था, नहीं यही है, सॉरी माय मिस्टेक, यही है रास्ता। मैं सीढ़ियाँ देख रही हूँ, चेक कर लें, बहुत खुरा ही। चलो वर्जिश होगा भाई, एक्सरसाइज एक्सरसाइज भाई। उधर नहा रहे हैं लोग यार, ओ वहाँ पे नहा भी रहे हैं लोग यार, वो उधर देखो उधर। चलो भाई अच्छी बात है, जरा पानी तो चेक कर ले कि पानी का टेम्परेचर क्या है। भाई से वॉक नहीं किया, फुल बेड़ा वर्क हो गया, इतने प्राइस है। अच्छा जेट्स की भी है यहाँ पर, अच्छा गुड गुड गुड, जेट्स की भी है भाई, बड़ी बड़ा झील है, झील, आई होप मैं करेक्ट हूँ, झील झील कहते हैं, लेक कहते हैं। अब यहाँ से किधर से रास्ता, बोट पर बिठाते हैं बोट यार, अभी सलाम इनको, इन लोगों ने बोट बोट चीज़ें, ये चीज़ें लाए कैसे यहाँ पर? किधर ये लोग यार, बड़ी कैसे जबरदस्त से इन्होंने तरीके से जबरदस्त से लोग ने वो क्या लगाया, कुर्सियाँ लगाया उसमें, गर्मी है भाई, गर्मी तो है, स्टेप बाय स्टेप बनाना। ये देख ले कुर्सी कितना जबरदस्त बनाए उन्होंने, बढ़िया है जी भाई। अच्छा वहाँ पर भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता था वैसे। हाँ अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर 20 है यहाँ पे, लेकिन धूप बड़ा जला रहा है, इवन चाव में भी बैठे हुए लेकिन गर्मी था। अब यार चढ़ाई पे थोड़ा सा रेस्ट लेना भाई, हम तो वर्जिश वाले बंदे नहीं, अभी यहाँ से वहाँ तक चढ़ना है, ओह अभी इधर से उधर तक चढ़ना एक अजाब है। हाँ चलो भाई, अभी खैर से यहाँ पर चढ़ना है, चेक कर लें सीढ़ियाँ, पीछे वो झील है भाई, बिस्मिल्लाह। यहाँ से चढ़ते चढ़ते सांस तो फुली बंद,
स्टेमिना नहीं है। तनाव टूट गया है दोनों में। ने एक्सरसाइज हम लोग ने किया हुआ ना कुछ। मेरे ख्याल से वहाँ पे जी रेस्ट करेंगे। वे थक गए। निकलते आगे। हाँ भाग भाग के वहीं पे पहुँच गए ना। थक गए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाते हैं। कमरान का तो बेड़ा गर्क होगा, खालिक पर भी ऑफिसर है उसके लिए नॉर्मल है। हम लोग तो बैठ गए भाई, लोगों के लिए रास्ता खोला हुआ है ताकि लोग जाएं। कुछ नहीं बचा, चलो बिस्मिल्लाह। और बेड़ा गर्क अभी यहाँ पे बैठते हैं भाई। हाँ सब शिकाह ना शिकाह। लोगों को सलाम है, यहाँ पे आते जाते हैं बुजुर्ग आए हुए, वो किस तरह चढ़ेंगे अल्लाह जाने। देखते कौन हिम्मत करता है कौन नहीं। वो भाई तो चढ़ गए माशाल्लाह, वो तो यहीं के लोग उनके लिए थे भाई ये नॉर्मल है, ये जिम से भी कम नहीं है। कमरा किधर है? लगड़ बगड़ सा। ये भी लास्ट में पहुंच गए। अभी और कितना बचा है भाई? और भी बचा। चलो हिम्मत करो, वो छोटी बच्ची को देखो निकल रहा है। मलिक चढ़ गए पहले से। मलिक फोन फोटो लिया होगा, मैंने अपना नहीं लिया है। नहीं तुम्हारा ना बाबा गर्मी। चलो उधर वो सारा झील झील देखते आ रहे हैं। तो भाई फिर भी अभी एक्सरसाइज स्टेमिना भाई स्टेमिना। वो बंदा वहाँ पर रुक गया पानी के लिए। आसिफ पानी ले यार, पीजिए आप। दे दो पानी तो दो, ऐसे उसको देने पानी दे दो। कमरान क्या हुआ? कमरान और भी आ गए, हल्का सा है, हल्का सा और है। चलते हैं अभी उधर, चलते हैं देखते हैं। चलो भाई आगे। यहाँ पे जाने जाने देते तस्वीरों के लिए जाने देते हैं। सर हम लोग कराची के ना पंजाब के। अभी भी रास्ता है यहाँ से। ओह कमरान भाई यहाँ पे यार, यहाँ पे गर्मी नहीं है कमरान? गर्मी दिखती नहीं है लेकिन बस ऊपर नीचे से पसीने वैसे छुपी हुई। यहाँ पे जो भी आएगा ना उसे किधर छोड़ा? फुल मेरा मोबाइल उधर ये उसके साथ। बस छोड़ अपने साथ ही रखो। चलो भाई मुझे ही सोच दवा चुस्त वाला चल गया। चलो मालिक को परवाह नहीं लेकिन यारों ने इसका मोबाइल बचा लिया। यारों ने बचा लिया बिल्कुल, सिम के साथ वरना चला जाता हम भाई। घर हैं सारे, बड़े खूबसूरत रास्ता है, बड़े खूबसूरत रास्ता है, बड़े खूबसूरत घर है। नहीं कमांडर जो है से जा रहे हैं ना, अंदर से खुद उसका सांस फूका हुआ। कमांडर खुद कहते हैं कि अल्लाह खैर करे कब पहुँचेगी गाड़ी। नहीं हाँ भाई हाँ ऐसे मैंने नहीं कहा, ऐसे दिख रहे हो। मेरा खुद रहता था नीचे नहाने का। अच्छा झील में उठ गए, झील के लिए रास्ता हो, होटल ने अपने लिए रास्ता बनवाया ताकि अपना एडवर्टाइजमेंट कर ले। बैठो यहाँ से नज़ारा देखो। और इतना गर्मी नीचे बहुत गर्मी था, बस यहाँ पे ऊपर भी सही हुआ। यहाँ वहाँ पे चाव पे भी गर्मी था पहले,
छाव में भी पसीने ही पसीने। अरे बिस्मिल्लाह, नहीं बस छोटे से दरिया के पास। यार कैमरा ना, वो जो गोल पानी था उसको झील दरिया क्या कहते हैं? इसको दिल वाली झील कहते हैं। नहीं नहीं, उसको क्या कहते हैं जिधर हम लोग गए थे अभी नीचे? नीचे ना, हाँ वो पूरा पानी उसको उर्दू में क्या कहते हैं? झील दरिया या क्या? झील झील। किस तरह झील की झील? आप लोग चले हुए पानी को भी झील बोल रहे थे? यहाँ पे इसको झील ही कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी। अच्छा, तो खैर से पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के पास। आगे चलते हैं, एक स्टॉप भी लगा लेते हैं, और स्टॉप लगा के सांस लेके फिर निकलते हैं खैर से। अल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन नीचे गर्मी थी सर, आज जो हमें शॉर्ट पहनना था आज हमने पहने जींस, कल शॉर्ट पहने थे, बेड़ा गर्क हुआ सर्दी से, आज बराबर है। चलो भाई खैर से हम लोग अपनी जगह पे पहुंच गए, अपना बैग मैग उतारते हैं, बैठते हैं, अभी आके इधर बैठते हैं दोस्तों के पास। किधर है तो चलो बैठो। तो भाई हम लोग यहाँ पे रुक गए, इस तरफ आप देख सकते हो रोड जा रहा है, जहर से बातें रोड ही जा रहा है। तो यहाँ से आगे आगे जाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है जो ये जो हार्ट शेप का जो झील बना हुआ है, ये हम इसके ज़रा ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं, क्योंकि जो हमें बताया गया अंदर जाने का हम लोग 6 लोग हैं, 6,000 रुपये लेंगे ये लोग पर पर्सन, 1,000 रुपीज़। क्यों भाई, ऊपर से एक कप चाय पियो, 150 का नज़ारे देखो, फिर भी इतना कॉस्ट नहीं होगा हमें। तो भाई हम लोग वहाँ से क्यों जाएँ, वहाँ से क्यों जाएँ, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ से भी जाके वहाँ से इन्होंने बनाया होगा। खैर हमें ज़रूरत भी नहीं है इतना बैठने का, मेरे हाथ किताब का, हमें तो सिर्फ तस्वीर लेंगे। मैं और कमांडर साहब हम दोनों उतर गए। हाँ कमांडर साहब क्या कहते हो आप यार? आगे जाएंगे, आगे जाके व्यूज व्यूज देखेंगे भाई, ज़रा मज़े मारेंगे। ड्रोन शौक, ड्रोन ड्रोन के भाई बड़े शौकीन है ये बंदा, बड़े शौकीन है ड्रोन, और इसे चौड़ा करो भाई। नहीं तो आप बनाते नहीं हो हम लोग ड्रोन शॉट? हम आपके ड्रोन शॉट नहीं बनाते हैं। गाड़ी में अपने आप ने अपना हाथ जो निकाला मैंने जो शॉट ली थी, तो फिर वो चले भाई ज़रा देख लें यहाँ की जगह, अरे वैसे बड़ा खूबसूरत बनाया है। तो भाई आके हम लोग ने ड्रोन शॉट ले लिया यहाँ पे, जो दिल है शिंगरिल्ला जो बनाए इन लोगों ने भाई, पर हेड जो है ना 1,000 रुपए ले रहे हैं एंट्री भाई, ये रियल मतलब मैंने पहले, फिर भी मैंने वापस कंफर्म किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेस्ट हाउस है पर डे 30 से लेके 2 लाख तक है पर नाइट, पर नाइट। और यहाँ पे लोग कुछ मिले कोयटा के थे, और एक और सरदार अली, सरदार अली है सरदार सैयद पूरा सरदार मतलब मैं बोलूँ तो ना, कहते हैं मैं रेंट का काम करता हूँ, मेरा आप मेरा वीडियो बना लें, मेरा एडवर्टाइजमेंट कर लें। मैंने बोला सर आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपके लिए ऐसे लगा लूँगा। कहते हैं वीडियो, मैंने वीडियो की ज़रूरत नहीं, वो इस्लामाबाद से पिक करते हैं और सारा नॉर्वे पे घुमाते हैं, सारा नॉर्वे उस पर वो घुमाते हैं, पूरा नॉर्वे पे, तो पूरा नॉर्वे पे जो घुमाता है, और पिक इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद के अंदर फैज़ाबाद, अभी फैज़ाबाद कहाँ मुझे नहीं पता है, फैज़ाबाद उधर इस्लामाबाद में, लेकिन उधर इस्लामाबाद में बिल्कुल सही, वहाँ से पूरा मेरा ख्याल पंजाब के लिए और पूरा उसके लिए, मतलब कराची के भी लोग आ जाए इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वो पिक कर लेगा, वहाँ से सारे ट्रांसपोर्ट वहाँ से निकल, वहाँ से निकल और यहाँ पे नॉर्वे तक आते हैं। तो अभी खैर से लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास, एक तो इन्हें ये खुश्की ने बेड़ा गर्क कर लिया, खुदा की कसम मैं हैरान हूँ क्या करूँ। अभी जाके यहाँ से फार्मेसी से एक वैसलीन लिया था, वो भी 2 नंबर, ओरिजिनल ही नहीं था, कसम की कसम से ओरिजिनल नहीं था बिल्कुल, पर शुक्र जो मैंने दुबई से लाया था वो
मुझे उधर ही क्वेटा में जब खुशी हुआ तो घर में लिया था, वो बड़ा डिफरेंस था। लगाया ख़त्म, यहाँ पे लगाओ 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 बेड़ा गर्क, अभी तक कुछ नहीं। जब से लगाओ ओंटे काले हो गए भाई, क्या करे बंदा। दुबने तो ऐसे ही काला किया, टू शेड्स हमें ऐसे दे दिए, देखो कैसे क्लियर नज़र आ रहा ना, टू शेड्स। वाओ, अभी निकलते हैं आगे की तरफ। यहाँ ये कमांडर है भाई, हमारे कमांडर साहब जो हमारे साथ हैं, हमें क्या गम है। और यहाँ पे तस्वीरों का गम लगे हुए। चलो भाई भाई, अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं, क्या नाम है, कटपना डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग कोल्ड डेजर्ट कह रहे थे इसे, कोल्ड डेजर्ट। तो हम लोग ने थोड़ा सा मिस्टेक किया वहाँ से, गलियों से भाई, तंग गलियों से निकल के आखिर रोड पे आ गए। और अभी उधर ही शहर से जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो मेन मकसद है, हम लोग जाएँ वहाँ पे, वो पॉइंट हम लोग देख के ज़रा दोस्तों तस्वीरों की ले रहे हैं, हम लोग आपको भी ज़रा दिखा दें नज़ारा। फिर उसके बाद खैर से हम लोग को निकलना है गिलगित, गिलगित एक वन नाइट स्टे करना है, उसके बाद हमें निकलना है, सिर्फ और सिर्फ हमें कैंपिंग करना है। क्योंकि यहाँ पे इतना अंदाज़ा नहीं था, मैं मतलब कंफर्म नहीं था कि गर्मी होगा, यहाँ पर सख्त गर्मी है यार, यकीन नहीं आ रहा। टेम्परेचर जो है ना 21 बता रहा है, उसके बावजूद भी गर्म है, गर्म इलाका है। अभी ये देखते हैं आपको आगे। ये भाई ड्राइवर जो है ना थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा एक स्माइल दे दे हमें इधर भाईजान, बस थम्स अप है भाई, बंदा कुछ नहीं है। ये ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो खामोश होता है, जैसे वो जब बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाता है वो मौलवी साहब, वो इतने डर के मारे एक बात भी नहीं करते। ये उसी तरह ओए नहीं उड़ा रहे ना कि 50,000 अभी मुर्गी का पेरम दे दें, कसम खुदा आ गई रेस पे अभी लगी। पीछे 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 नज़दीक है, पीछे 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 पीछे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें पीछे। चले सर चले चले, वो देखे मोटर बाइक सब लोग आ रहे हैं इस तरफ, इंडिया और इस तरफ चाइना, ये इंडिया के साथ। चले भाई बिस्मिल्लाह जी, फुल सीधे रिवर्स आ गए। चले 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 भाई चले, बस आगे से अभी निकलो आराम से। चलो भाई रास्ता मिल गया, शुक्र है कि रास्ता मिल गया जाने से। छोटे कैसे हो, यहाँ से ऊपर डेजर्ट के लिए कौन सा रास्ता है? आगे से ऊपर पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाता है, गाड़ी नहीं जाता आगे से। हाँ ठीक है, आगे से भाई रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? जब यहाँ आगे से डेजर्ट के लिए चढ़ सकता है बंदा ना गाड़ी में? हाँ हाँ आगे बहुत आगे है वो ना, हाँ 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 वहाँ से रास्ता है गाड़ी का। शुक्रिया सर। चलिए भाई थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लिया गाड़ी का, लेकिन गाड़ी में वजन बहुत था, हवा भी कम हम लोग नहीं किया क्योंकि हमारे पास मोटर भी नहीं था हवा देने के लिए ना, थोड़ा सा गाड़ी ने गर्माइश दे दी। अभी यहाँ पे लगे हुए तस्वीरों का मेला, अभी ऊपर ऊपर की तरफ जाना है, देखना है वहाँ पे क्या चीज़ें उधर है, क्या ऊपर से मतलब जो व्यू है वो क्या दिखता है, क्या हिसाब किताब है, वो ज़रा देखना है हमें। चलो भाई मोबाइल तो मिल गया, अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, ज़रा ये डेजर्ट में उतरने का मज़ा भी देख लें। लेकिन एक और चीज़ भी फोकस कर लें, कलर देख लें, दो कलर हुआ वैसे यहाँ के धूप से। पिकनिक चलता है क्या मसला है, एक महीना दो महीने के बाद वापस वही सब बंदे का खुद का कलर आ जाएगा। खलील कहता हूँ खुदा का कुदरत देखो, इस तरफ ग्रीन सब्ज़ है, इधर डेजर्ट, उस तरफ पहाड़ और बर्फ़,
और लेकिन मौसम और मिट्टी फिर भी गर्म है पता है। अच्छा, धूप बैठ गया। धूप बैठ गया लेकिन गर्म है। लेकिन हम लोग चला देता अगर धूप होता। और ये लोग कहते हैं इधर कैंपिंग करो। कैंपिंग रात को सही है लेकिन सुबह सवेरे निकलना है कैंपिंग का। वही ना सुबह सवेरे, कितने सुबह सवेरे 5 बजे निकलोगे क्या? जाएंगे गिलगित जाएंगे सुबह अपना अगला ठंडा सफर करेंगे। यार गिलगित के बाद सिर्फ कैंपिंग ही करना है जाने। उधर का तो आपने इलाका देखा हुआ है ना? वो सारा देखा, वो सारा आपने देखा हुआ है। वो ठंडा इलाका है ना, मतलब उधर का गम नहीं है हमें? नहीं नहीं बिल्कुल, रास्ता सब कुछ वो रोड है सारा, एक जगह कच्चे है कुछ ऊपर चढ़ने बस। और पिकनिक पॉइंट किधर है? उधरी है जो ऊपर चढ़ना है, झील के ऊपर हमने रात गुजारने। हां एक अंदर जाने बस, उस साइड में कुछ नहीं है, बका अभी चित्राल जाएंगे। चित्राल फिर वापस आना है, फिर वापस जो है ना उधर से निकल चढ़ तो जा। एक तो सांस बंद हो गया बंदे का, चढ़ तो जा। क्या हुआ भाई? होता फिर मजा करते। क्या होता? ठंडा होता फिर उसमें खेलते मजा आता। अच्छा ठंडा होता मजा आता है आप? थोड़ा सा ब्रेक मारा कुश्तियां करते। क्या नजारे है, एंजॉय करो। लोग अपने आप को मारते हैं, कहां से आते हैं इस डेजर्ट के लिए। और ये ले रहा है दालबंदन की जगह के ना। अच्छा मशहूर है सीरियसली, मैंने वो देखा एक डेजर्ट है, मतलब ये जो डेजर्ट का नाम है मैं भूल गया, आई एम सॉरी। और दूसरा जो है वो झील की वजह से ऊपर वो जो दिल बना हुआ है जो शेरेटन है होटल की वजह से, खूबसूरती वही है। और खामोश पानी है मेरे ख्याल से यहाँ से शायद यही पे खामोश पानी है क्या, इतने खास इतने ज़्यादा मतलब पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर जो बंदा जो कैंपिंग कर सकते, कैंपिंग का बिल्कुल करने से धूप गर्म भी बहुत है और धूप भी बड़ा गर्म है। इसकी इवन इसकी जो मिट्टी था, मिट्टी के अंदर हमने जब पैर रखा वो भी फील हो रहा था कि भाई गर्म है मिट्टी। तो अभी कोशिश यही आगे जाएं, देख लें हंजा की तरफ, अल्लाह करे वहाँ पे धूप भी ना जलाए। और तो खैर यहाँ पे अभी बाजार से गुजर रहे हैं, जितने लोकेशन लगाते हैं वो हमें बताते हैं कितना घंटे का सफ़र हमारा आगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह खैर करे कि रास्ता इसी तरह हो जिस तरह हम लोग आए हुए थे शर्ट। ये तो अभी देखें ऐसे ड्राइव कर रहे हैं ऐसे अजीब NCP। अभी आगे से थोड़ा सा नेट आ जाए ताकि लोकेशन हमें सही बता दे कि हमें जाना कहाँ पे है। वो शेरटन की तरफ वहाँ पे आ जाता है लोकेशन। तो खैर अभी हम निकले हुए और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, अभी भी ज़बरदस्त है। 7 बजे के बाद मौसम बड़ी क्लास की मौसम है और वेदर भी बड़ी अमेजिंग है। तो खैर से अल्लाह खैर खैर से हम पहुँचा है, दुआ ही करते हैं। और आगे रास्ता तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये जो लोग शेरटन की तरफ गए थे ये वही रास्ता है। इंशाल्लाह आगे के स्टॉप है क्योंकि चाय माय पीनी है, वहाँ पे गाड़ी को डीजल भी भरनी है, डीजल भर के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने सफ़र। तो भाई अभी हम लोग खैर से रुके हैं बन बुदास एरिया में है, बन बुदास है। लेकिन इधर देखो माशाल्लाह काटा किने का दिस किने गंदा किना ये कम भी गए दरे इलाके रे। अच्छा इसी वजह से आपको पछतावा आ रहा है। इस जगह का नाम बन बुदास दमबुदास है जी। दमबुदास सब यूजर हो दू। दमबुदास का मतलब क्या है? दमबुदास का मतलब क्या है? दमबुदास एक नाम है, डम्बू मतलब लिखने वाला कलम का नाम है। अच्छा दास मतलब वो पहला वही चीज ज्यादा था इधर जगह में। अच्छा दमबुदास अभी आगे अल्लाह जाने।
इसका मीनिंग क्या है? तो इनसे लोगों ये देखो बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज यार, बड़ा खूबसूरत अब खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मौसम खराब है जिन्होंने हमें जला दिया। आज कुछ और कलर है, चेहरा कुछ और है, बाल कुछ और हो गए, बस अल्लाह पर्दा करे। गर्मी तो है, गर्मी तो हम लोग इलाके में होती है, धूप बहुत बेकार। तो आप कहाँ से भाई? तो हम लोग अभी रुके हुए हैं पीछे, आप लोग देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज होटल। और यहाँ पे भाई क्या कर रहे हैं सर? हम आपकी वीडियो बनाए, मसला नहीं है सर? यहाँ नमकीन है जी सर, ये देसी गोश्त है, ये बड़ा गोश्त है, बड़ा गोश्त का आइटम है सर। यही जाना तो खिलाएंगे, टेस्ट करने किस तरह? अभी पकाया हुआ है, अभी फ्राई करके अलग हो इसके बाद सर्फ होगा सर। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? तो नहीं है, आप इस तरह उधर पकाए हुए, इधर से आप इसमें मसाले डालेंगे, अभी उधर रोस्ट दिखाना, एक एक पीस एक पीस दिखा देना। ये देसी गोश्त है, बड़ा गोश्त भाई। किधर से, क्या नाम है? स्कर्दू से, गिलगित के रास्ते में जब लोग आप लोग आएंगे इधर बंदुदास बस जो जगह का नाम है, इधर खड़ा होके भाई ये बिस्मिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज होटल को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बड़े टेस्टी हैं इधर भी, और रेट भी इसके मुनासिब रेट है, मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, मुनासिब रेट है। मैं भाई को भूख लगा हुआ था, नहीं भूख हम लोग ने खास इधर चाय भी नहीं पिया था, इसी वजह से तो खास हम लोग रुके उसी के क्या नाम है गुलाई में नहीं गाड़ी इधर उधर क्या देखो।